हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था TDS 194C सर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि TDS को हम कैसे डिडक्ट करते हैं जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। ठीक है सर, आज थोड़ा ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम पे किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे हम पता लगा लें कि TDS कैसे डिडक्ट हुआ है, बिल अमाउंट क्या है। ठीक है सर, आज वो थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए सर, ये रहा, अब देखिए आप सर, जैसे ही आप जाएंगे आपको ऑडिट में इस तरीके के कुछ बिल्स देख रहे हैं आप, कृष्णा अर्थ मूवर्स, ये क्या है? ये सर पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी क्या ही कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है सर, अब किस किस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ? देखिए सर, इस कंपनी ने सर कॉन्ट्रैक्ट किया है होम लिमिटेड, कोई कंपनी है होम लिमिटेड, मैंने इसको ब्लैक डॉट किया हुआ है। ठीक है सर, होम लिमिटेड एक कंपनी है, उसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? कृष्णा अर्थ मूवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कृष्णा अर्थ मूवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो सर ये क्या काम करा रहे हैं? होम लिमिटेड कहती है कि कृष्णा अर्थ मूवर्स, आप मुझे जेसीबी जेसीबी प्रोवाइड करो, उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है सर, तो जेसीबी का वर्क कराते हैं कृष्णा अर्थ मूवर्स से, और उसके लिए इनको ये पेमेंट करते हैं। कौन पेमेंट करते हैं? होम लिमिटेड पेमेंट करते हैं कृष्णा अर्थ मूवर्स को। तो सर देखिए, अब हमें पता लगाना है कि कृष्णा अर्थ मूवर्स, सबसे पहली चीज है कि कृष्णा अर्थ मूवर्स का आप क्या देखेंगे कि ये पार्टी जो है वो इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी, क्या चीज है। ठीक है सर, इसके लिए आपको चेक करना पड़ता है इनका पैन नंबर। तो सर जो भी पैन नंबर है उस पैन नंबर के आप हिसाब से आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। और पैन नंबर का कौन सा डिजिट होता है सर? सपोज पैन नंबर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये जो फोर्थ डिजिट जो होता है ये आपको क्या बताएगा कि ये क्या है, यानी ये कौन है। पी अगर लिखा है तो पी का मतलब होता है प्रोप्राइटर। ठीक है सर, यानी क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ये कौन हुआ सर, इंडिविजुअल। ठीक है सर, तो सर अब देखिए, अब सर हम एंट्री की बात करेंगे कि कंपनी जब एंट्री डालती है तो टीडीएस को किस तरह से दिखाएगी। ओके सर, देखिए सर, आया हमारा वाउचर, जो कंपनी ने वाउचर बनाया वो बनाया कुछ इस तरीके का। क्या डाला सर कंपनी ने? साइट कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, यानी साइट पे जो काम चल रहा था उसके लिए उन्होंने एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए। और जो कृष्णा अर्थ मूवर्स को पेमेंट होनी थी, जैसे पेमेंट हुई है 64251, और उस पर टीडीएस कितना कटा है, 649, यानी 64900 का 1% टीडीएस डिडक्ट कर लिया। 64900 का बिल बना था, उस बिल में 1% अमाउंट किसका था, टीडीएस का। तो टीडीएस सर हमारा 649 हो गया, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 64251। ठीक है सर, तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, बिल्कुल इसमें कोई भी सर्विस टैक्स नहीं है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हो गई, ये क्यों नहीं समझ आ रहा। ठीक है सर जी, अब सर बात करते हैं, चलिए सर अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, जिसमें क्या होगा, सर्विस टैक्स का पॉइंट होगा, तो उसे समझते हैं। सर ये तो आपको समझ आ गया होगा सर। अब देखिए सर, एक पार्टी है हमारी इंडियन एजेंसी, एक पार्टी है हमारी इंडियन एजेंसी, वो देखते हैं क्या काम कर रही है। देखिए सर, वो सर इसमें हमारी जो कस्टमर है, यानी जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो है प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी है हमारी प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है सर, अब अगर हम बात करें सर, तो आप इसमें देखिए इंडियन एजेंसी ने अपना सर्विस इनवॉइस दिया है, और सर्विस इनवॉइस में क्या दिया है सर उन्होंने, सर्विस इनवॉइस में इन्होंने टोटल अमाउंट अपना बताया है कि सर हमारा टोटल सर्विसेज का अमाउंट तो इतना है, प्लस 14% हम सर्विस टैक्स का लेंगे, प्लस 0.5% हम स्वच्छ भारत सेस लेंगे, और 0.5% हम कृषि कल्याण सेस लेंगे। ठीक है सर, सर इनका टोटल बिल कितना बनता है, 1500। तो अब आप जल्दी से बताओ टीडीएस कौन से अमाउंट पे डिडक्ट होना चाहिए, जल्दी बताओ सर, जल्दी से कौन से अमाउंट पे। नहीं पता तो सर देखो, अब इसे समझ लो कैसे करना है आपको, टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है कैसे डिडक्ट नहीं होता वो आप समझ लीजिए सर। बिल्कुल देखिए सर, हमने भी आपको बिल दिखाया, बिल में क्या था, 1304 की सर्विसेज, 183 का सर्विस टैक्स, और 0.5% आपका क्या है, 0.5% हमारा है स्वच्छ भारत सेस, और 0.5% हमारा
कृषि कल्याण से, इन्हें एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया गया है ना। अब स्वच्छ भारत सेस का हमें क्रेडिट नहीं मिलता कभी भी, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंस लिख रहे हैं। और इनके लिए हमने क्या लगाया है, रिकवरेबल, यानी जब हम इन्हें डिपॉजिट कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इनका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर अब बात समझो, यहाँ पे क्या हुआ सर, पहले देखो इंडियन एजेंसी जो है, इंडियन एजेंसी जो है इस पे कितने परसेंट टीडीएस कटना चाहिए, तो कैसे पता लगेगा, हम इसका पैन नंबर देखेंगे, देखते हैं सर बिल में पैन नंबर दे रखा है क्या। सर अगर बिल में पैन नंबर आया था, देखो पैन नंबर ए ए बी एफ आ रहा है सर, ठीक है, तो सर हमारा फोर्थ डिजिट क्या है, एफ है, फोर्थ डिजिट क्या है, एफ, तो हमारा F4 फर्म, यानी क्या होगा ये टीडीएस का रेट जो होगा इसके लिए क्या होगा, 2% होगा, टीडीएस का रेट जो इसके लिए होगा वो क्या होगा, 2%, ठीक है। तो टीडीएस इन्होंने क्या करा, डिडक्ट कर लिया, यानी इस अमाउंट पे 1304 भैया इस पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, ये ध्यान रख लेना। तो 1304 पर कितना डिडक्ट होगा, 2%, कितना हो गया, 27 रुपीज। समझ आया होगा सर थोड़ा बहुत तो, ठीक है, वैसे आना तो पूरा पूरा चीज में कुछ नहीं है। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी इंडियन एजेंसी के साथ कि आप मुझे सर्विसेज दो। इंडियन एजेंसी ने कहा ठीक है, मेरे 1304 की सर्विसेज हैं और 183 का सर्विस टैक्स, इतना इतना सेस हो गया हमारा। तो सर टीडीएस तो हमेशा इस अमाउंट पर डिडक्ट होता है, आप ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो, जो सर्विसेज का अमाउंट है उसी पर क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है सर। चलिए सर आपको दो तो एग्जांपल्स मैंने बता दी, चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हाँ जी देखिए सर, ये आया अब हमारा, इसमें आया आरसीएम का केस। आरसीएम बोले तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम बोले तो सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं, कंपनी का नाम है डेवलप लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रही है ये देखते हैं सर। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है स्नाइपर सिक्योरिटाज के साथ, किसके साथ, स्नाइपर सिक्योरिटाज, ये कौन है, एक कौन है पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब देखो इनका, देखो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, जो सर्विस टैक्स लगाएंगे उनके लिए हमें जरूर चेक कर लेना है कि सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है के नहीं है। ये देखो सर आप आ रहे ना एफ, एफ बोले तो फर्म, फर्म है सर ये, ठीक है। और पैन नंबर भी आपको इनका देखना है कि पैन नंबर भी क्या है इनका, सर मेरे को तो दिख नहीं रहा इसमें पैन नंबर, भैया दिख तो मेरे को भी नहीं रहा। कोई नहीं सर, पैन नंबर भी हम इन क्या करेंगे, कंपनी से इनका ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। अब सर आइए बात करते हैं इस बिल की, इस बिल में सर इसने अपनी सर्विसेज दिखाई हैं 12493 की, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, गनमैन की, सिक्योरिटी गार्ड की, तो अलग अलग अमाउंट उनके लिए चार्ज करा है, उसके लिए सब टोटल आ जाता है सर इनका इतना। फिर उस पर क्या कर रहे हैं, सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, स्वच्छ भारत सेस लगा रहे हैं और कृषि कल्याण सेस लगा रहे हैं, और टोटल इतना ये आ गया, मतलब ये प्लस ये, ठीक है सर। फिर इसके लिए काम कैसे हुआ, देखो एंट्री देख लो आप एक बार, ये कहते हैं कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी सर्विस चार्ज, सिक्योरिटी सर्विस चार्ज डेबिट, मतलब इन्होंने क्या करा, एक्सपेंस डाला ना, पहले पहले तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा ना, सिक्योरिटी सर्विस चार्ज डेबिट, कितने अमाउंट से, जितने का सर्विस अमाउंट था इनका, ठीक है, जितने का भी सर्विस अमाउंट था। फिर उसमें इन्होंने डालते हैं ये आरसीएम सर्विस टैक्स रिकवरी, फिर आरसीएम तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फिर स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस। सर अब एक बात सुनो, एक्चुअली क्या है, जो हमारी सर्विसेज है ना सिक्योरिटी सर्विसेज है, इस केस में 100% आरसीएम का प्रोविजन है। अब सर आरसीएम होता क्या है, सर देखो सर्विस टैक्स में रूल क्या है कि जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी को सर्विसेज देता है, जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी को सर्विसेज देता है तो सर्विस टैक्स वो जमा कराता है, यानी गवर्नमेंट के पास सर्विस प्रोवाइडर डिपॉजिट कराता है। बट इन केस ऑफ आरसीएम क्या होगा, जो भी हमारा सर्विस टैक्स होगा उसको कोई
कौन रिसीव कौन डिपॉजिट कराएगा? सर्विस रिसीवर, जो सर्विस रिसीव कर रहा होगा वो पार्टी। अब इस केस में सर्विस रिसीवर कौन है जो हम पढ़ रहे हैं? इसमें है सर्विस रिसीवर डेवलप लिमिटेड, और सर्विस प्रोवाइडर कौन है इसमें? स्नाइपर सिक्योरिटास। ठीक है सर, तो इसमें सर्विस टैक्स को डिपॉजिट कराने की हेडेक किसकी है? इसमें हेडेक है डेवलप लिमिटेड की। तो डेवलप लिमिटेड इसलिए इसमें इसको दिखा रहा है। ठीक है, आपको समझ में? आरसीएम के नाम से क्यों दिखाया? अगर ये होता हमारा क्या आरसीएम नहीं होता, सिंपली सर्विस टैक्स होता, तो हम यहाँ क्या दिखा रहे थे? सर्विस टैक्स रिकवरेबल दिखा रहे थे। इतनी बात समझ में आती है सर? ठीक है, तो हमने आरसीएम दिखा दिया, और फिर हमने इसके लिए क्या करा? यहाँ पे आरसीएम पेबल अकाउंट, इसके लिए हमने यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी लाइबिलिटी दिखाई है, आरसीएम पेबल अकाउंट। ठीक है, ये देखो आरसीएम पेबल अकाउंट, और यहाँ पे स्वच्छ भारत सेस आरसीएम पेबल। ओके ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखो, फिर हमने डिडक्ट किया टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। किस अमाउंट पे होगा ये? इस अमाउंट पे 107,785 पर। कितने परसेंट बताया था ना अभी कि फर्म है, तो कितना होगा? 2% होगा। तो इसका 2% कितना आता है आपका? देख लो, यह आता है 2156। समझ में आ गया? रिटेंशन मनी, ये क्या? टू रिटेंशन, रिटेंशन मनी का मतलब कि अभी जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसका कुछ पैसा रोक लिया गया कि भैया इतना पैसा तो हम आपको बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहे, आप पहले काम पूरा कर लो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर है इसका, यहाँ पे इस कंपनी की पॉलिसी कि 5% रोकते हैं, उन्होंने 5% पैसा रोक लिया। ये रहा 5389, किसका 5%? इसका, सर्विस टैक्स का नहीं पैसा रोकेंगे भैया, गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी, गवर्नमेंट को तो पैसा दे दो आप पहले। ठीक है, तो हम इसका पैसा रोक, देखो इसी में से ही टीडीएस डिडक्ट हुआ, और इसी में से ही सर्विस टैक्स, ओ सॉरी आई एम सॉरी, इसी में से ही टीडीएस डिडक्ट होता है, और इसी में से रिटेंशन मनी का भी पैसा रोकोगे। भाई सर्विसेज जो उसकी है उसी पैसे में से तो रोकोगे, सर्विस टैक्स में से थोड़े ना रोक लोगे। ठीक है, ये आज हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच था कि हम कभी किसी कंपनी में जाते हैं ऑडिट करने, तो वहाँ पे कैसे बिल चेक करते हैं। सिर्फ वाउचिंग का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ साइन टिक मारते चले जाओ, मारते चले जाओ। टिक टिक का मतलब कुछ नहीं, टिक नहीं लगाना हमको सर, हमें समझनी है चीज़ें कि कैसे काम कर रही है। ठीक है, देखेंगे सर अभी एक दो चीज़ें और। तो सर ये तो हमें समझ में आ गए, अभी हमने तीन केस पढ़ लिए, तो सिंपली हमने पढ़ा था दो पढ़े। अब देखो सर, ये सर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है, ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या नाम है इनका? इनका भी नाम सपोज करिए होम लिमिटेड है। क्या है? होम लिमिटेड। ठीक, तो सर ये ना, अब देखो सर, इसमें एक नई चीज़ है डब्ल्यू सी टी। इस बिल में क्या नई चीज़ है? डब्ल्यू सी टी, डब्ल्यू सी टी बोले तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स, यानी जो ये इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे अजय गुप्ता यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये क्या होते हैं? इनका सारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है मटेरियल प्लस लेबर, यानी हमको दोनों चीज प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल भी और लेबर भी। तो उस केस में हम क्या चार्ज करते हैं? डब्ल्यू सी टी, और डब्ल्यू सी टी का रेट क्या है? 4%। ठीक है, देखो लेबर चार्जेस इतने, यानी इतने का इन्होंने क्या कहा कि भाई मैं इतने की सर्विसेज दूंगा प्लस। अब हाँ, इसमें तो एक बात और आ गई सर, इसमें तो आरसीएम भी लगा हुआ है, यानी इसमें क्या होगा भाई? 50% तो डिपॉजिट कराएगा सर्विस प्रोवाइडर, और 50% डिपॉजिट कराएगा सर्विस रिसीवर। लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, पूरा का पूरा सर्विस टैक्स बियर कौन करेगा? बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर हमेशा सर्विस रिसीवर की होगी, बट डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू सर्विस टैक्स रूल्स। ठीक है सर, तो इस केस में 50% लाइबिलिटी हमारे पास किन की? अजय गुप्ता की, और 50% सर्विस टैक्स लाइबिलिटी किन की है? होम लिमिटेड की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों इन्होंने डेबिट करके दिखा दिए, आरसीएम दिखा दिया यहाँ पे। और एक बात और बताता हूँ, सुनो, जो आरसीएम आपका है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है, अब हम इसकी लायबिलिटी दिखाते हैं हमेशा। देखो यहाँ पे देखो, आरसीएम पेबल अकाउंट लायबिलिटी दिखा रखी है सर, जब तक आप इसको डिपॉजिट नहीं करा दोगे ना, तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, तो आपको पहले से डिपॉजिट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगा हमें इसका क्रेडिट अवेलेबल होगा। ये देखो आप, आरसीएम पेबल अकाउंट, इसका क्रेडिट हमें उसी के बाद क्या होगा? अवेलेबल होगा। समझ में आइए सर इतनी बात। अब देखो सर, लेबर चार्जेस इतना आ गया आपका, सर्विस टैक्स रिकवरेबल इतना, 50% ये, स्वच्छ भारत सेस, ये क्या लिख रखा है इन्होंने, देखो ना पढ़ना, एक्सपेंस, एक्सपेंस है सर, पूरा का पूरा आएगा, यानी कितना होगा ये? 0.5% पूरा आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो
कृषि कल्याण से 0.5%, उसके दो पार्ट हो गए, इतना सर्विस प्रोवाइडर जमा कराएगा, इतना सर्विस रिसीवर जमा कराएगा। ये तो सर इसका तो हमें वही नहीं मिलता, क्रेडिट ही नहीं मिलता, ये तो यहाँ पूरा का पूरा ये एक साथ दिखाते हैं, आप टेंशन ही मत लो, ठीक है ना। अब यहाँ जो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, इसमें भी होना तो यही है, इसमें भी यही होना, ये मत सोचना कि एक ही जना जमा कराएगा, होगा ये भी यही 50-50% टोटल का होता है, यानी ये टोटल रेट ना एक्चुअली 15% है, तो 7.5% कोई जमा कराएगा और 7.5 कोई जमा कराएगा, ठीक है। और अब एक बात और सुनो, जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स का रेट आता है तो हमें क्या होता है ना, सर्विस टैक्स में 60% की अबेटमेंट मिल जाती है। अबेटमेंट बोले तो मतलब जो जो हमारा रेट है, जो मतलब सर्विस है, सपोज जैसे 233,990 की सर्विस है, तो देखो 2,33,290 का 40% सर्विसेज ट्रीट किया जाते हैं। अबेटमेंट भी गलत वर्ड होगा बोलना, एक्चुअली हम कहते हैं ना कि हमने वर्क विद मटेरियल काम किया है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इतने में से इतना परसेंट हम क्या मान के चलते हैं, कितने परसेंट सर्विसेज हैं, और इसी अमाउंट पे क्या होगा, सर्विस टैक्स चार्ज होगा। कैसे, देखो 233,290 × 40%, ठीक। इसके बाद क्या करोगे, सर्विस टैक्स लगाओ 14%, सिर्फ सर्विस टैक्स, इसमें सेस अवेलेबल नहीं है, फिर उसका 50% करो, तो एक पार्टी का क्या निकल के आएगा, सर्विस टैक्स, समझ में आया। जब एक पार्टी का सर्विस टैक्स निकल कर आएगा, ठीक है ना, ऐसे हमें निकालना है। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके हमारा कितना आएगा, इसके करके कैलकुलेट करके 6,532। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको जो भी आंसर कर दूंगा इनका कुछ टाइम के बाद, ठीक है सर। और फिर उसके बाद क्या होता है, जितना आप देखो 233,290 में अजय गुप्ता के पास कितनी पेमेंट जाती है, सिर्फ 216,958। कैसे और कहाँ गई भाई पेमेंट, देखो सर इतनी तो अभी भेज दी और अभी इतनी और भेज देंगे, कितनी रिटेंशन मनी वाली, यानी पैसा तो अजय गुप्ता गई है, बस अभी हमने रोक लिया, ये अभी हमने रोक लिया, इतना पैसा अभी हमने रोक लिया, दे देंगे। और ये जो अमाउंट है, ये तो TDS गवर्नमेंट की जेब में, वर्क WCT पेबल ये गवर्नमेंट की जेब में, और ये हमने क्या दिखा रखी है, लाइबिलिटीज दिखा रखी है, खत्म बात, ठीक है सर। तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही था, इसका बिल देखना चाहो बिल देख लो एक बार, बिल कैसे होता है ये देखो, इस तरीके से बिल बनते हैं, ठीक है। ये रहा ना 233,290, ये सर्विसेज का अमाउंट हो गया, सर्विस प्लस मटेरियल, फिर सर्विस टैक्स हमेशा दिखाना पड़ता है, रेट यहाँ दिखा नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है, ये मैंडेटरी है। ये सब चीजें सर आप चेक किया करो, जब भी जाके ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आएगा सर चीजों का, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट, ठीक है, 240,288। बस सर यही था आज की वीडियो में, तो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर इंटरेस्ट ऑन सबवेंशन स्कीम डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, कि इंटरेस्ट ऑन सबवेंशन स्कीम है क्या, क्यों आई है, कैसे काम करती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।